गरीब बाप खिलौना वाला। भजली कहकर एक गांव में तितला कहकर एक आदमी खिलौने बेचते हुए जिंदगी गुजारा करता था। उनकी बीवी की मौत होने के वजह से उनकी बेटी लक्ष्मी और झूले में छोटी बच्ची अच्छू का भी देखभाल खुद करता था। खिलौनों को बेचने के लिए उन दोनों को भी उसके साथ ले जाता था। एक जगह पर छतरी के नीचे खिलौने लगाकर, आइए बच्चे आइए, रंग बिरंगे खिलौने, कई तरीके के खिलौने, खूबसूरत खिलौने, आइए बच्चे आइए, खिलौना खरीदिए, कहकर पुकारते हुए खिलौना बेचता था। तब लक्ष्मी अच्छू को गोदी में बिठाकर दूध पिलाती थी। घर में लक्ष्मी उन खिलौनों को बहुत आशा से देखती थी। उनके साथ खेलने को बहुत मनसा होता था, लेकिन पिता डांटेंगे कहकर डरती थी। एक बार जब पिता सो रहा था, तब एक खिलौने से लक्ष्मी खेलने लगी। इतने में गलती से वो खिलौना नीचे गिरकर टूट गई। तब तितला वो आवाज से उठकर बैठ गया। अरे बापू, गलती से फिसल कर गिर गया बापू, गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया बापू, कहकर रोने लगी। मत रो बेटी मत रो, जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं बोलो। वो खिलौना का दाम 100 रुपए है मालूम है, कहे तो अब हमें 100 रुपए का नुकसान हो गया है बेटी, इसलिए मैं कहता हूँ कि उन खिलौनों से मत खेला करो। भगवान, ये क्या मुसीबत आया है मुझे, छोटी बच्ची को भी खिलौनों से नहीं खेलने दे रहा हूँ, ये भी एक जिंदगी है क्या। छी छी बेटी, ये लो इन पैसों से जाकर कुछ खरीदो, ये लो, कहकर लक्ष्मी को कुछ पैसे दिया। तब लक्ष्मी जाकर एक बेकरी में एक आइसक्रीम खरीदी। इतने में एक कार में एक आदमी उनके बेटी के साथ उधर आया था। वो आदमी बेकरी में आकर, देखो एक वेनिला आइसक्रीम दो। हाँ सॉरी सर, एक ही वेनिला बचा था और ये बच्ची अभी उसे खरीद लिया, दूसरा कोई फ्लेवर चाहिए तो बोलिए, अभी देता हूँ। मुझे दूसरा कोई फ्लेवर नहीं चाहिए, मुझे और कोई फ्लेवर नहीं चाहिए, मुझे वेनिला ही चाहिए डैडी, मुझे वेनिला ही चाहिए, कहकर जिद पकड़कर रोने लगी। अरे अरे अरे, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, रोना बंद करो, दूसरा फ्लेवर चाहिए तो ले लो कह रहा हूँ ना, वेनिला फ्लेवर खत्म हो गया है, समझने की कोशिश करो, चाहिए तो अगली बार वेनिला खरीद के देता हूँ, अभी के लिए परेशान मत करो बेटी। सर, आपकी बेटी को शायद वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैंने इस आइसक्रीम को अब तक झूठा नहीं किया है सर, चाहिए तो लीजिए सर, ये उसे दीजिए। तब वो आदमी वो आइसक्रीम लेकर उनकी बेटी को दिया। तब वो बच्ची बहुत खुश होकर उसे खाने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम बहुत अच्छी बच्ची लग रही हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं खरीद के देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, और कुछ आइसक्रीम दिला दीजिए बस। तब वो आदमी लक्ष्मी को और एक आइसक्रीम खरीद कर दिया था। एक बार पुलिस जीप में उस मार्केट में आए थे। उनको देखकर उधर रोड पर बेचने वाले सब लोग हैरान हो गए थे और डर गए थे। तितला भी उनको देखकर घबरा गया था। सब लोग परेशान होकर देखने लगे, क्यों भाई, कितना बार बोलना है कि यहाँ रोड पर गाड़ी नहीं लगाने के लिए, आपको इस जन्म में शर्म नहीं आएगा क्या, फुटपाथ के ऊपर चलने वालों को बहुत मुश्किल होता है ना आपके वजह से, आपका दिमाग में यह बात घुसता नहीं है क्या, आपसे हमको तो कोई दुश्मनी तो नहीं है ना, ए इधर तितला बोले तो तुम ही हो ना, आओ आकर जीप में बैठो। सर क्या हुआ है सर, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया है ना सर, सबके साथ साथ मैं भी इधर धंधा कर रहा हूँ बस, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इधर से ये सब निकाल कर चले जाता हूँ सर। ये सब मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें सर लेकर आने के लिए कहे थे, अगर कुछ है तो उनसे बात करो, बेटी चलो चलो तुम दोनों भी चलो आकर जीप में बैठो। ऐसे जीप में सब लोग निकले। तितला और लक्ष्मी तो वो जीप कहाँ जा रहा है कहकर बहुत परेशान होने लगे थे। वो जीप ऐसे जाकर कलेक्टर के दफ्तर में रुकी। उनको पुलिस कलेक्टर के रूम में लेकर गया था। तब लक्ष्मी कलेक्टर को देखकर हैरान हो गई थी। तब लक्ष्मी कलेक्टर से, सर आप कलेक्टर हैं? उस दिन आपकी बेटी को वनीला आइसक्रीम मैंने ही दिया था, याद आया? सर हमने तो कोई गलती नहीं की है, तो फिर क्यों हमें यहाँ ले आए सर? आपने कुछ गलत काम नहीं किया है बेटी, उस दिन तुमने मेरी बेटी को तुम्हारे आइसक्रीम दिया था ना, तभी तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में मुझे पता चला था। तितला तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छे से पाल रहे हो भाई, उनकी काम से मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था,
पुलिस से आपके बारे में पता करने के लिए मैंने ही कहा था। तब तुम्हारे बारे में और तुम्हारी मुश्किलों के बारे में सब जानकर वो लोग मुझे बताए थे, और खिलौने बेचने में तुम्हारे मेहनत और टैलेंट के बारे में भी मुझे बताए थे। इसलिए सरकार से कहकर तुमको एक मदद करना चाहता हूँ। बैंक वालों से बात करके तुम्हारे लिए एक लोन अरेंज किया। अब तुम्हें सड़क पर व्यापार करने की जरूरी नहीं है। एक अच्छा सा दुकान ढूंढ कर उसमें खिलौना बेचो। तब लक्ष्मी और तितला कलेक्टर को प्रणाम किए। ऐसे तितला एक बड़ा सा खिलौना का दुकान लगाकर उस कलेक्टर के हाथों से ही उस दुकान को शुरू किया था, और लक्ष्मी भी उधर खिलौनों से खेलकर बहुत खुश हो गई। लॉकडाउन शादी। काजीपेट नाम के गांव में प्रेमचंद नाम का एक धनवान रहता था। प्रेमचंद को पैसे होने का बहुत घमंड था, गरीबों को धुतकारता था। प्रेमचंद की एक बेटी थी शालिनी। प्रेमचंद शालिनी के लिए धनवानों का रिश्ता देख रहा था, लेकिन शालिनी अपने कार ड्राइवर विनोद से बहुत प्यार करती थी। एक दिन शालिनी विनोद से, विनोद तुम हमेशा कहते रहते हो कि मेरे पिताजी से तुम बात करोगे, पर कभी बात करते नहीं। तुम जानते हो उन्होंने एक रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम्हारे पिताजी से बात करने का मतलब है शेर के मुंह में सिर डालना, वो इतना आसान नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूं और कैसे बात करूं। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुमसे भाग कर शादी नहीं करने वाली। ये शादी मेरे पिताजी के मर्जी के साथ ही होनी चाहिए, याद रखो। कहकर चली गई। विनोद समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। प्रेमचंद ने शालिनी की शादी सूरज नाम के व्यक्ति के साथ तय कर दी। इतने में एक महामारी बीमारी के कारण देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हुई। सरकार ने एक घोषणा किया कि इस बार और ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए। तब विनोद को एक उपाय सूझा। विनोद और शालिनी सूरज से जा मिले और अपने प्यार के बारे में उसे बताया। ब्रदर, हम दोनों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, हमारी मदद करो और हमारे जिंदगी को संवार दो। मैं तुम दोनों के प्यार को समझ सकता हूँ, पर क्या मेरे कहने से प्रेमचंद जी मान जाएंगे? मैं ज्यादा से ज्यादा शादी को कैंसिल करा सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ? ना ना ना, शादी कैंसिल ना करना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो बस। कहकर उन दोनों ने सूरज से कुछ कहा। बाद में सूरज ने प्रेमचंद जी को फोन किया और प्रेमचंद जी, जो मुहूर्त तय हुआ है उसी में शादी होनी चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी में आने वाले हर एक व्यक्ति को पीपीई किट पहनना चाहिए, दूल्हा और दुल्हन समेत। मुझे इस महामारी से बहुत डर लगता है, इसीलिए अगर रूल्स को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो ही ये शादी होगी। प्रेमचंद मान गया। यूं शादी में सब पीपीई किट पहने हुए थे। शालिनी भी पीपीई किट पहनकर मंडप में बैठी थी। वहां कमरे में विनोद ने सूरज को प्रणाम किया। सूरज पिछले दरवाजे से चला गया। विनोद ने तुरंत पीपीई किट पहन लिया। और जाकर मंडप में बैठ गया। प्रेमचंद ने एक लैपटॉप लाकर उन दोनों के सामने रखा। पंडित जी कह रहे थे कि उन्हें वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं मिला, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए ऑनलाइन में शादी करा रहे हैं। तो आप दोनों वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना। पंडित जी अपने मोबाइल में उन दोनों का तस्वीर देखते हुए, बेटा तुम अपने दाएं हाथ से उस लोटे को लो और उसमें से जो पानी है वो अपने बाएं हाथ में डालो। बेटी तुम हल्दी और कुमकुम उस नारियल के ऊपर छिड़को। ओम मंगल्यम तंतुना हे नामम जीवन हेतुना, कहकर मंत्र पढ़ने लगा। इस तरह उनकी शादी संपन्न हुई। जो लोग शादी में आए थे उन्हें प्रेमचंद ने खाने का पार्सल दिया। हम बुरा ना मानिएगा, दामाद ने कहा है कि यहाँ पर फेस मास्क निकालना वर्जित है, इसीलिए ये प्रबंध किया गया है। आप लोग घर जाकर आराम से खाइए। उसके बाद प्रेमचंद विनोद को ढूंढने लगा। सवेरे से वो विनोद दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि शादी के काम से बचना चाहता है वो। आने दो उसे, मैं उसकी खबर लूंगा। शादी के अगले दिन अपने घर में प्रेमचंद विनोद से, जो कि पीपी किट पहने हुए था, ये क्या दामाद जी, अपने घर में भी पीपी किट पहनने की क्या जरूरत है? जब तक ये बीमारी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता पिताजी, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक अपने घर भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा।
इतना भी डरने की क्या जरूरत है दामाद जी, चलो आपकी मर्जी है, जब तक चाहे रह ले। यो विनोद सिर्फ अपने कमरे में ही पीपी किट उतारता था और प्रेमचंद के सामने पीपी किट पहनकर ही घूमता था। प्रेमचंद को ये बड़ा अजीब लगा। यूं कुछ साल बीत गए, उनका एक बेटा हुआ जो कि 6 साल का हो गया था। एक दिन प्रेमचंद, ये क्या दामाजी, बीमारी को आए हुए कई साल बीत गए, लगता है एक दो दिन में चाइना में नई बीमारी भी शुरू होने वाली है, मैं तो ये भी भूल गया कि आप दिखते कैसे हैं, अब अगर आपने पीपी किट नहीं उतारा तो मैं नहीं मानने वाला। क्यों जी, अब तो बच्चा भी बड़ा हो गया है, पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते, अब आप वो पीपी किट निकाल दीजिए। प्रेमचंद कुछ समझ नहीं पाया, तब विनोद ने तुरंत पीपी किट निकाल दिया। प्रेमचंद विनोद को देखकर बेहोश हो गया। शालिनी ने अपने पिताजी के चेहरे पर पानी छिड़का और उसे उठाया। ये तो धोखा है, दगा है। अरे विनोद कमीने, तूने इतना बड़ा धोखा दिया। ये धोखा नहीं है पिताजी, ये प्यार है। यदि हम आपसे कहते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या आप हमारी शादी कराते? इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा था। आप तो देख ही रहे हैं कि हम दोनों कितने खुश हैं। ऐसा दामाद आप चिराग लेके ढूंढोगे तो भी ना मिले, इसीलिए आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। तब प्रेमचंद ने लाचार होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया।